नॉकआउट एंड आई थिंक माफिया निंजा उनके काफी ज्यादा क्लोज है, लोगन के काफी ज्यादा क्लोज है, आई थिंक लोगन को भी वहां पे फिनिश ऑफ कर देंगे। राइट साइड की तरफ से माफिया निंजा को मिलेगा नॉकआउट। मैं जैसे बोल रहा था एक दिक्कत दे सकते हैं पीछे की तरफ से लियोन, बट उनको कवर फायर आता हुआ ग्यालजेन की तरफ से, ग्यालजेन फिनिशिंग ऑफ लियोन फ्रॉम मैक्स टीम। लेट्स सी, सिक्स टीम्स स्टिल रिमेनिंग इनसाइड द मैच। अगर मैं देखूं वहां पे स्टोन करते हुए गॉट टर्निंग को फिनिश ऑफ, नेड से फिनिश ऑफ किया, वीपी की स्क्वाड भी एक बढ़िया सा परफॉर्मेंस दिखा रही है, नीचे की तरफ से वहां पे खेल रही है। अगर मैं देखूं ड्रॉप के काफी ज्यादा क्लोज है वीपी की स्क्वाड यहां पे खेलते हुए, फ्लुकेट वहां पे दिख रहे हैं एक रोटेशन दे रहे, गाड़ी ऑलरेडी ले चुके हैं, थोड़ा सा क्लोज इन मार चुके हैं, स्मोक में कवर जो है बना के रखा है उसके कवर के थ्रू वहां पे खेलते हुए, नीमा करते हुए ओआरजी ऑरेंजी स्पोर्ट्स के प्लेयर को नॉकआउट। सो उन पे भी चलेंगे। डीआरएस की बात करते हुए वहां पे नीमा जो खेल रहे थे ऑरेंजी स्पोर्ट्स के एक प्लेयर को वहां पे करेंगे फिनिश ऑफ। चार स्क्वाड्स फोर टीम्स ओनली रिमेनिंग इन दिस मैच, डीआरएस वहां पे खेलती हुई, लेट्स सी व्हिच टीम ग्रैब्स द विनर विनर चिकन डिनर। थ्री किल्स ऑलरेडी इन देयर अकाउंट इफ आई मे से, डीआरएस गिविंग आउट एन इंप्रेसिव गेम प्ले एंड इफ आई मे से, तीन किल्स अपने खाते में वहां पे जा चुके हैं। अगर मैं देखूं फोर मैन स्क्वाड अभी भी बचे हैं, सो फोर मैन एडवांटेज उनको मिल जाएगा, बट फिर भी इवेंचुअली क्या रिजल्ट निकल के आता है अगर अगर हम देखें 11 प्लेयर्स स्टिल इनसाइड द लॉबी, दे आर स्टिल प्लेइंग फॉर द ग्लोरी। लेट्स सी हु ग्रैब्स द विनर विनर चिकन डिनर टाइटल इन दिस मैच। सो इफ आई मे से टीम्स अगर देखें, हेल इज स्टिल सर्वाइविंग, डीआरएस सर्वाइव कर रही है, वीपी इज स्टिल सर्वाइविंग एंड सील 9 के आमरा जो है लास्ट प्लेयर वहां पे सर्वाइव करते हुए, एक अच्छा सा एंगल उनके पास भी है, स्टे करेंगे। सो आउट ऑफ द जोन वहां पे आ चुके हैं, वीपी के प्लेयर्स वहां पे काफी ज्यादा पुशिंग कर चुके हैं। सो यहां पे वीपी वर्सेस हमें जो डीआरएस का वहां पे देखने मिल जाएगा। पीछे से आमरा करते हुए ग्यालजेन को नॉकआउट, बट वहां पे कवर फायर प्रोवाइड करेंगे माफिया निंजा एंड डीआरएस, डीआरएस के जो प्लेयर है वहां पे रिवाइव हो जाएंगे। थ्री स्क्वाड्स स्टिल प्लेइंग इन दिस मैच। इफ आई मे से यहां पे डीआरएस की स्क्वाड बहुत एग्रेसिवली खेल रही है गाइस, अपना एक अच्छा सा पोजीशन वहां पे होल्ड करके बैठी। ग्यालजेन मीनवाइल आउट ऑफ द जोन आ चुके हैं, उनको इनसाइड द जोन पुश करना पड़ेगा। आई थिंक हेल जो स्क्वाड है वो भी लेफ्ट साइड से काफी ज्यादा दिक्कत दे रही है। हेल की तरफ से एक लास्ट प्लेयर बचते हुए नजर आ रहे हैं, मेगा माइंड जो है लेफ्ट साइड की तरफ से। सो जो हेल की स्क्वाड है एलिमिनेट होते हुए, दो स्क्वाड्स बचती हुई नजर आएंगी। लेट्स सी वीपीई वर्सेस डीआरएस, हु विल ग्रैब दिस मैच, काफी ज्यादा क्लोज। टीम 13 की तरफ से वीपीई देख रहे हैं बहुत ज्यादा स्प्लिट में वहां पे खेलेंगे एंड जो नीड है सेंट आउट स्टोन वहां पे करते हुए मीनवाइल नॉकआउट एंड आई थिंक एआरजी को वहां पे स्पॉट आउट किया। लेफ्ट साइड की तरफ से काफी ज्यादा स्प्रे दे रहे हैं डीआरएस के जो दो प्लेयर्स वहां पे काफी ज्यादा पिन डाउन है। अगर मैं देखूं नीमा एजे को वहां पे जो देने वाले थे यहां पे करते हुए, श्वेप वहां पे नेड की तरफ से करते हुए नॉकआउट एंड पुशिंग आउट फॉर हिज टीम इज श्वेप एक्सजेड फॉर वीपी, बट लेट्स सी 3v3 का सिचुएशन हो जाएगा। मीनवाइल नीमा को थोड़ा सा स्पॉट इन किया, स्मोक के थ्रू ये मैच चलती हुई, नीमा गेटिंग डाउन, 2v3 सिचुएशन कमिंग टू एन एंड, ग्यालजेन गेटिंग डाउन, लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग फॉर डीआरएस एंड माफिया निंजा आल्सो बीन टेकन आउट बाय वीपी स्क्वाड। सो एन अमेजिंग परफॉर्मेंस इफ प्लेयर्स वहां पे बचते हुए, अच्छा सा गेम प्ले उनका भी देखने को मिल जाएगा इस मैच में। बट अगर हम यहाँ पे डीआरएस की तरफ आते हैं, उनका एक फाइट इनिशिएट हो चुका है। अगर मैं देखूं नीमा को वहां पे नॉकआउट मिला था, अगर मैं उनको रिवाइव भी दे दिया गया उनके टीममेट ने, माफिया निंजा पीछे की तरफ से मीनवाइल अपना एक रोटेशन दे रहे हैं। सो एक बढ़िया सा देखने को मिल जाएगा। एजे वहां पे होते हुए आई थिंक वीपी के फ्लुकेट को वहां पे नॉकआउट किया, काफी ज्यादा क्लोज वहां पे आए थे। सो एजे एक अच्छा सा होल्ड पोजीशन करके बैठे, आमरा को उन्होंने काफी ज्यादा डैमेज दिया था, स्टोन वहां पे होते हुए मीनवाइल नॉकआउट एंड एलिमिनेटेड। यहां पे स्मोक के अंदर फायर करने की कोशिश कर रहे, एजे काफी इंप्रेसिव गेम प्ले दिखाते हुए स्मोक के अंदर उन्होंने काफी ज्यादा डैमेज दिया दोनों प्लेयर्स को सामने की अगर बात की जाए वहां पे। अगर M4 की भी बात करूं, टैप टैप फायर देने की कोशिश वहां पे की जा रही है। सो ऑल्सो गाइज बहुत बढ़िया गेम प्ले सारी टीम्स का देखने मिल जाएगा। यहां पे जोन ऑलरेडी स्ट्रिंग ले चुका है, अगर मैं देखूं 105 मीटर्स एजे को जाना पड़ जाएगा। माफिया निंजा गेटिंग डाउन ऑन हिज नीज, लेट्स सी नीमा प्लेइंग फॉर हिज टीम, अ नेड देखते क्या वो सक्सेसफुल करेंगे। इनकी पे एक नेड वहां पे थ्रो इन कर चुके हैं, सो आई थिंक ये नेड काफी ज्यादा सक्सेसफुल पड़ेगा। इनकी गेटिंग डाउन विद दैट नेड, अ वेरी इंप्रेसिव नेड बाय, अगर मैं देखूं बहुत ओपी वहां पे नेड करते हुए यहां पे फुल पुश इन करेंगे। आई थिंक नीमा और एजे अपनी टीम की तरफ से बचे। सी लाइन की अगर बात करूं, इनकी अपनी टीम से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बट अगर दो प्लेयर्स की बात करूं, आमरा पीछे की तरफ से कवर देने की कोशिश कर रहे हैं, स्मोक ऑलरेडी उन पर डाल दिया गया है, थोड़ा सा क्रॉल इन करके आए थे एंड स्मोक करके उनको शायद रिवाइव वहां पे दे दिया जाएगा। सो अभी भी 9 टीम्स बचती हुई। यासनाय का जो जोन है काफी ज्यादा श्रिंक हो चुका है, यहाँ पे नेड किया है सामने वाली टीम की तरफ से। अगर मैं देखूं कामडी वहां पे करते हुए जरित को नॉकआउट, मीनवाइल नीमा पे एक नेड कर दिया गया है, देखते क्या वो इफेक्ट करेगा। थोड़ा सा बाउंस ऑफ जरूर हुआ, बट फिर भी इवेंचुअली अगर मैं देखूं यहाँ पे अभी रिवाइव दे दिया जा रहा है। सो आमर के माफिया निंजा यहाँ पे खेलते हुए दो लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं, नीमा एंड माफिया निंजा। सामने की तरफ अगर बात की जाए, सो ऑलरेडी दो प्लेयर्स मेरे को दिख रहे हैं। सो यहाँ पे हेल के प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद है, सो डीआरएस वर्सेस हेल यहाँ पे देखने मिल जाएगा, 2v2 सिचुएशन देखने मिल जाएगा। इवेंचुअली क्या रिजल्ट आउट निकल के आता है, यहाँ पे एक किल अपने लिए सिक्योर ऑलरेडी करके रखे हैं। अगर मैं देखूं बरूटो की बात करूं, काफी सारे डैमेज मिल चुका है, उनको स्पॉट इन भी कर चुका है 1 HP एंड आई थिंक वहाँ पे नॉकआउट कर दिया जाएगा। सो जोन के बाहर वहाँ पे उनको नॉकआउट मिला, बहुत ज्यादा उनकी डैमेज होने वाली, जैसे जोन वहाँ पे टच इन होगा वहाँ पे जोन ऑलरेडी उनको डैमेज देना चालू कर दिया है। बट बरूटो
इन अ टफ सिचुएशन, ऊपर की तरफ से उनको डैमेज दिया जा रहा है। बट अगर मैं बात करूं वहां पे ऊपर की, अगर बात की जाए वहां पे वीपी के प्लेयर्स भी ऑलरेडी मौजूद हैं, रेवन क्लॉ जो है काफी खास करके वहां पे दिक्कत दे रहे हैं। सो अगर टीम है वहां पे फाइट में इनिशिएट हो चुकी, डीआरएस के साथ वहां पे नीमा को मिलता हुआ नॉकआउट, माफिया निंजा वहां पे की तरफ से खेल रहे। सो देखते क्या एक सिचुएशन यहां पे निकल के आती है। नीमा को वहां पे मीनवाइल रिवाइव तो जरूर दिया जा रहा है, बट अगर देखें वहां से पुशिन भी आ सकता है, मैक्स की टीम जो है शायद वहां पे पुशिन कर सकती है। सो डीआरएस वर्सेस मैक्स यहां पे देखने मिल जाएगा। ओपन में अगर मैं बोलूं वहां पे नॉकआउट मिला था, बट रिवाइव भी दे दिया गया जो है उसके पीछे। सो देखते हैं अभी अगर मैं देखूं यहां पे क्रिस की बात करूं, उनको जो है वहां पे नॉकआउट मिल चुका है ओपन में, एंड फिनिश ऑफ भी दे दिया जाएगा। सो 3v अगर मैं बोलूं 4 का सिचुएशन हो जाएगा, मैक्स का एक प्लेयर वहां पे डाउन होते हुए मिल जाएगा। सो डीआरएस के चारों प्लेयर्स अभी भी मौजूद, तीन प्लेयर्स जो सामने की तरफ से मैक्स की तरफ से खेल रहे हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कत दे रहे थे, बट अगर मैं देखूं इवेंचुअली शायद मैक्स के लिए काफी ज्यादा डिसएडवांटेज हो जाएगा अगर मैं देखूं, क्योंकि डीआरएस की स्क्वाड काफी ज्यादा एक अच्छा सा पोजीशन होल्ड करके बैठी है। माफिया निंजा की बात करूं, वो एक स्प्लिट में खेल रहे, तो 1v3 का स्प्लिट हमें देखने मिल जाएगा। सो मैक्स की टीम यहां पे थोड़ी सी अगर क्लोज इन आती है, यहां पे माफिया निंजा अपना एक जो पोजीशन लेके बैठे वो स्पॉट इन करके थोड़ा सा नॉकआउट्स भी सिक्योर कर सकते हैं। यहां पे चलता हुआ लास्ट मैच अगर मैं बोलूं, वहां पे चलता हुआ स्प्रे, यहां पे जैसे मैं बोल रहा था स्पॉट इन कर सकते हैं, स्पॉट इन ऑलरेडी कर दिया है एजे वहां पे करते हुए, नीमा पीछे की तरफ से कवर फायर देते हुए, एंड जो है नीमा उन्होंने दो प्लेयर्स वहां पे स्पॉट इन किए थे, सामने वाले प्लेयर को वहां पे डैमेज काफी ज्यादा दिया। नीमा ऑन हिज फुट गोइंग फॉर द एग्रेसिव पुश, लेट्स सी क्या वो करते हैं एलिमिनेट। एंड अगर मैं देखूं वहां पे ऑलरेडी पुश कर चुके, नीमा के कवर के लिए ऑलरेडी उनके प्लेयर्स आ चुके हैं, बट अगर मैं देखूं लेफ्ट साइड के तरफ से भी जो जीएक्सआर के प्लेयर्स हैं वो भी ऑलरेडी आ चुके हैं। ऑस्टिन जो है वहां पे आई थिंक थोड़ी से टफ सिचुएशन में वहां पे पड़ जाएंगे। अगर ऑस्टिन की बात करूं, एक हाइट एडवांटेज उनको जरूर मिल जाएगा, बट एक पोजीशन काफी ज्यादा टफ है क्योंकि उनके सामने अगर मैं देखूं नीमा आ चुके हैं। सो एक 1v1 का सिचुएशन जैसे मैं बोल रहा था, ग्यालजेन एक अच्छा सा बढ़िया सा होल्ड करते हुए पोजीशन है, उनको एलिमिनेट करेंगे। सो इधर एक बढ़िया सा मैं बोलूंगा नॉकआउट मिलता हुआ। सो 4-man स्क्वाड स्टिल सर्वाइविंग अगर मैं देखूं लास्ट प्लेयर बचते हुए, एंड जो है अगर मैं देखूं आरएनटी टॉप डॉग जो है वो लास्ट प्लेयर बचेंगे, उनकी भी काफी ज्यादा कम एचपी, उन पे अगर पुश आता है तो बहुत कम चांसेस उनके बचने के हो जाएंगे, बट फिर भी बहुत एक अच्छा सा पोजीशन वहां पे लेके बैठा है, बिल्कुल अपने आप को हाइड करके रखा है यहां पे। जो हेल्थ किट एंड मेडिकिट्स जो है वो एक अच्छी सी कोशिश वहां पे की जा रही है।